हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं फिर सुबह सुबह आप लोगों के सामने एक ऐसी योगा लेके आई हूँ जिसको अगर आप लगातार करते हो तो 10 दिन के अंदर ही आपका 5 केजी तक का वजन कम होगा, लेकिन आपको इसको सही तरीके से और सही ढंग से करना होगा। तो चलिए हम लोग इस योगा को स्टार्ट करते हैं और अपने पूरे शरीर के मोटापे को खत्म तो करते हैं। फर्स्ट योगा है, उसमें हम करेंगे जॉगिंग, वो भी एक ही जगह खड़ा होके। तो किस तरह करना है आपको, सिंपल इस तरह खड़ा होना है और इस तरह अपने पैरों को करके एक ही जगह आपको करना है। एकदम कंधों को सीधा रखना है, अपने हाथों को इस तरह से करके आपको करना है और ऐसा आपको लगातार करना है। 1 से 2 मिनट आप करें, हाथों को आराम आराम से ऊपर नीचे इस तरह करें ताकि आपके हाथ का भी एक हो एक्सरसाइज। तो इस तरह से आपको करना है एक ही जगह खड़ा होकर। और अगर आप गिनकर करते हैं तो इस तरह कर ले, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह आपको 50 बार, 100 बार और 50 बार करके आप थक जाते हैं तो रुक जाए, फिर से करें। फिर इस तरह करके आप 50, 100, 150 बार एक ही जगह खड़ा होकर आपको बस इस तरह से जॉगिंग करनी है और बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद इतना करें आप 50 बार, उसके बाद थोड़ा सा पैर को इतना ऊपर करके आप इस तरह से कर ले, जैसे हाथों को भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये ऐसे करना है। और सांसों को लेना है, सांसों को छोड़ना है। आराम से गहरी सांस ले, धीरे धीरे करें। फिर उस तरह से पैरों को इतना उठा के हाथों को ऊपर की ओर ले जाके सांसें लिए, सांसें छोड़ते हुए इस तरह से आप करें। तो ऐसा आपको आधा मिनट से 1 मिनट, 2 मिनट इस तरह से एक ही जगह खड़ा होकर आप सिंपल तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट योगा है उसमें आपको क्या करना है, पैरों को इस तरह से थोड़ा अच्छे से फैला लेना है ताकि आपका बैलेंस बना रहे। हाथों को बिल्कुल सीधा इस तरह से और सांसों को भरेंगे, जैसे सांसें छोड़ते हुए पीछे की ओर आपको घूमना है इस तरह से। इसमें सांस का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि सांस अगर अच्छे से आप लेते हैं और छोड़ते हैं तो उससे भी आपका वजन कम होता है। तो इस तरह से आपको आगे आना है, सांसों को भरना है, सांस से छोड़ते हुए पीछे की ओर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और जितना हो सके पीछे की ओर घूमना आपको, 6, 7, 8, 9, 10। और इस तरह से जब हम घूम रहे हैं तो इस हाथ को इस कंधे के पास लेके आ रहे हैं, जैसे इस तरह से पीछे घूम रहे हैं तो इस कंधे के पास ये हाथ आ रहा है। और इस साइड से दोनों हाथों को ले जाएंगे तो फिर इस कंधे को टच करेंगे, एक हाथ पीछे की ओर जाएगा। तो इस तरह से आपको 20 से 30 बार करना है। और इस दोनों जो भी एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ उसको सुबह और शाम कम से कम आधा आधा घंटा जरूर करना है। और सांसों को लेना है, सांसों को छोड़ना है, सांस की गति पे भी ध्यान देना है, तब जब फिर जाकर आपका वजन जो है वो जल्दी। मैं आपको क्या करना है, पैरों को इस तरह से फैला लेना है जितना आप खड़े हो सके अच्छे से, उस तरीके से हाथों को इस तरह लेना है और सांसें भरना है, सांसें छोड़ते हुए साइड में आना और हाथों को सीधा रखना है इस तरह से, नीचे नहीं करना अपने सर के, और कान के ऊपर से अपने हाथों को लेके आना है, फिर जाकर सांसें भरना, सांसें छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकना है इस तरीके से, हाथ बिल्कुल सीधा, एक हाथ यहाँ और इस तरह से आगे की ओर बिल्कुल नहीं झुकना है। तो बहुत कोई गलती करते करते वक्त हाथ को कभी इधर कर देते हैं, कभी ऐसे आगे घुमा देते हैं, तो इस तरह से आपको नहीं करना है, बिल्कुल आराम से सीधा करके करना है। जैसे इस तरीके से हाथ किए, सांस भरे सांस छोड़ते हुए 1, फिर सांस भरे सांस छोड़ते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह आपको कम से कम 20 बार फर्स्ट बार आप कर सकते हैं, 20 बार उसके बाद 30 बार, उसके बाद 50 बार, कम से कम 50 बार आपको करना है सुबह और 50 बार शाम। आप खुद देखेंगे कि कितना जल्दी इससे आपका वजन कम होगा, आपका जो साइड फैट है वो कम होगा, मोटापा कम होगा,
और इससे जब आप करोगे तभी आपको इसका असर दिखेगा आपके साइड में। तो अगर आपको भी कुछ फर्क पड़ रहा है आपके साइड में कमर पे तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है, सांसें भरना, सांसें छोड़ते हुए झुकना है, फिर आराम से रिलैक्स में आपको क्या करना है, इस तरीके से आराम से खड़े हो जाना है, दोनों हाथों को सांसें भरते हुए इस तरह ऊपर की ओर, सांसें भरे ऊपर की ओर, थोड़ा सा अपने आप को पीछे की ओर इस तरह से करेंगे, उसके बाद सीधे नीचे। तो इस तरह से आपको आना है, आप यहाँ टच कर सकते जमीन को, अगर नहीं भी होता है तो इस तरीके से आपको फिर ऊपर सांसें भरना है, वन सांसें छोड़ते हुए नीचे, टू टू सांसें भरे सांसें छोड़ते हुए, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो इस तरह पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है, थोड़ा पीछे की ओर घूमना है ऊपर, फिर आके नीचे इस तरह से आपको झुकना है। अगर आपको लगातार करने में दिक्कत हो रहा है तो आप आके यहाँ जमीन को फर्श को टच करें, फिर से हाथों को ऊपर लेके जाएं, फिर से इस तरह। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें आपको क्या करना है, पैरों को इस तरह फैला लेना है, जितने अच्छे से आप खड़े हो सके उतना अपने पैरों को इस तरह से आराम से फैलाना है, हाथों को सीधा इस तरीके से झुकना है, हाथ ऊपर, अगर आप ऊपर की ओर देख सकते हैं तो इस तरह आपको देखना है, फिर से इस तरह से, फिर इस साइड से आपको अपने हाथों को ऊपर करना और ऊपर की ओर देखना है, इससे आपका बॉडी भी स्ट्रेच होगा। जैसे वन टू सांसें भरना है, सांसें भरते हुए छोड़ना है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इस तरह से आपको करना है, और जब आप करने लगे तो पहले धीरे करें फिर लगातार करने लगे, और ऐसा आपको कम से कम 50 से 100 बार जरूर करना है, और हो सके तो अपने सिर को ऊपर की ओर देखें, अपने हथेलियों को इस तरह से जब आप ऊपर की ओर लेके आए, तो इस तरह से आपको करना है। हम खड़े होकर करेंगे, कुछ बैठ कर करेंगे और कुछ लेट कर करेंगे, तो मैंने खड़े होकर कर लिया, अब हमें बैठ कर करना है। तो उसके लिए आपको सीधा इस तरह से बैठ जाना है, पैरों को इस तरह रखना है, और जो हमारा नेक्स्ट योगा है उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से हाथों को आपस में जोड़ना है, सांसें भरते हुए पीछे आना है, सांसें छोड़ते हुए इस तरह पैर के अंगूठों को टच करते हुए इस तरह से आपको सर्कल बनाना है दोनों साइड से, सांसें भरे सांसें छोड़ते हुए, वन टू थ्री जितना पीछे आ सके, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इस साइड से, अब इस साइड से भी आपको उसी तरह से घुमाना है दूसरे साइड से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इस साइड से, दोनों साइड से सर्कल बनाना है, जितना पीछे आ सकते हैं सांसों को भरना है, सांसें छोड़ते हुए आगे की ओर, सांसों को भरना है सांसें छोड़ते हुए आगे और की ओर। तो इस तरह से आपको दोनों साइड से करना है, इसके लिए आपको इस तरह से अपने पैरों को फैला लेना है जितना हो सके, और इस तरह हाथों से, और अगर आप पीछे की ओर देख सकते हैं तो पीछे की ओर देखना है, जैसे सांसें लिए सांसें छोड़ते हुए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इस तरह आपको करना, अगर पीछे आप देख सकते हैं तो इस तरह पीछे की ओर आपको देखना है, आप अगर टच करते हुए और इस तरह पीछे देखते हुए आपको करना है, सांसें भरना है सांसें छोड़ना है, और जितना हो सके उतना जल्दी अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा स्पीड बढ़ा ले अपना इस तरह से। कुछ एक्सरसाइज लेट कर करेंगे, तो उसके लिए आपको इस तरह से सीधा लेट जाना है, अपने हाथों को अपने कमर के पास यहाँ रख लेना है, पैरों को पीछे से सांसें भरते हुए पहले एक पैर को ऊपर उठाना है इस तरह से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट
10। तो पहले एक एक पैर से आपको 50 बार कम से कम दोनों एक एक उठाना है। उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ इस तरह से उठाना है, जैसे 1 2, और पैर नीचे जाके जमीन से टच नहीं होगा, इस तरह से ऊपर ही ऊपर ही आपको करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह आपको करना है, पूरा फर्श से टच नहीं करना। उसके बाद लास्ट में योगा, उसमें आपको क्या करना है, इसी तरह से सीधा सोना है, हाथों को ऊपर लेके जाना है, सांसें भरना है, सांसें छोड़ते हुए इस तरह से आपको आधा आना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह सांसें भरना है, सांसें छोड़ते हुए अपने सिर को ऊपर की ओर उठाना है, पूरा नहीं उठना, बस आधा यहाँ तक आना है। और फिर उसके बाद रिलैक्स के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आराम से हाथों को कमर के पास लेके आना है और एक एक पैर को इस तरह साइक्लिंग करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस साइड से भी आपको इसी तरह करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह सर्कल बनाना है, एक एक पैर से पहले करना है, फिर दोनों पैरों को इस तरह आपस में लेके आना है ऊपर से, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी इस साइड से भी सर्कल आपको बनाना ऊपर से लेके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से बनाना है, उसके बाद आराम से बिल्कुल सीधा लेट जाना है। आज मैंने जो योगा आप लोगों को बताया है, अगर आप उसे लगातार करते हो और सही ढंग से सही गति से करते हो तो आप लोगों का जो वजन है वो बहुत जल्दी कम होगा, जो मोटापा वो बहुत जल्दी कम होगा। लेकिन आपको अपना डाइट भी अच्छा रखना है, अपना खान पान भी अच्छा रखना है। ऐसा नहीं कि योगा किए गए, चीनी डाले, एक कप चाय पी लिए और कुछ भी बाहर का खा लिए, तला भुना चीज़ खा लिए, तो इस चीज़ को भी आपको कम करना है और इस योगा को करना है। और आप अपने घर पर सिंपल तरीके से अपने वजन और मोटापे को कम कर सकते हैं, जैसे मैंने खुद किया है, आप भी कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दें ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूँ आप लोगों को मिल सके। ओके, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।